हाय एवरीवन, मैं रफीक अहमद। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आप लोगों से एक आज मैं टेक्निकल चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक हमारे पास वेट मशीन है जो किचन पे यूज होता है। ये वेट मशीन है और सिर्फ मेरे घर में नहीं, मोस्टली सभी के घर में ये यूज होता है। किचन पे लोग रेसिपी वगैरह कुछ बनाना होता है तो इस पर मेजरमेंट करके, केक हो या और कोई भी आइटम हो, तो उसके लिए ये वेट मशीन किचन पे रखते हैं लोग। इसमें क्या है कि नौशीन को आज केक बनाना था और वो वेट उसने करा तो उसको लगा कि शायद ये इनकरेक्ट वेट बता रही है मशीन। तो उन्होंने फोन किया नौशीन ने कि पापा ये वेट मशीन शायद खराब है, मुझे केक बनाना था तो वेट सही नहीं बता रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके देखता हूँ। शाम को घर आया तो देखा तो वेट सही बता नहीं रहा था। तो मैंने कहा ये चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मशीन जो है लोग किचन पे रखते हैं और जो मेडिसिन यूज करते हैं ना, जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ वेट वगैरह डाइट लेना होता है या मेडिसिन ही डाइट वेट करके उनको दिया जाता है। तो मैंने कहा अगर ये चीज है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप अपने घर बैठे इस मशीन को बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसका वेट को सेट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं और फिर से वो मशीन एक्यूरेट वेट बतानी शुरू कर देगी। तो टाइम ज्यादा ना लेते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वेट कैसे। अब मैं स्केल वेट मशीन को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद आपको वेट रख के दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक 50 ग्राम का वेट मशीन वो बाट है। वेट शायद नहीं आ रहा होगा कैमरे में, बड़ा हल्का लिखा हुआ है। तो ये मैं रख दिया। अब ये 50 ग्राम में को 40 ग्राम दिखा रहा है, यानी 10 ग्राम कम बता रहा है। अब ये मेरे पास जो है वो 200 ग्राम का है, ये 200 ग्राम का। तो ये मैं रख रहा हूँ 161 ग्राम दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जो बटन है एक तो लाइट का है, ये पीस काउंटिंग का है, तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो लाइट आपको डिस्प्ले पे एलसीडी पे आ जाएगा। और ये पीस काउंटिंग के लिए है, तो पीस काउंटिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। ये मोड जो है केजी पे आ गया। अगर दोबारा इस मोड को आप एक बार प्रेस करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा, फिर एक बार और प्रेस करेंगे तो और जेड में आ जाएगा, दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो एलबी में आ जाएगा। तो आपको या तो केजी में रखना है या फिर ग्राम में रखना है। ये ग्राम, तो मैं केजी में रख के इसको कैलिब्रेट करूंगा, यानी वेट को करेक्ट करूंगा। अब ये 200 ग्राम को 161 ग्राम, तो यानी काफ़ी कम बता रहा है। तो अब इसको वेट करने सेट करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बार मशीन को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करने से पहले जो ये बटन है MODE मोड, इसको एक फिंगर से ठीक से प्रेस करके रखेंगे सेंटर पे, और रेड बटन से जो ऑन और ऑफ वाला जो बटन है उसको ऑन करेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, मोड को प्रेस करके रखना है और मशीन को ऑन करना है। ऑन करेंगे CAL आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। अब हटा देंगे इस उंगली को, दोबारा सेम बटन को एक बार प्रेस करेंगे। एक बार कर दिया, अब आपसे ये वेट मांगेगा। 10 केजी की ये मेरी मशीन है तो 500 ग्राम में 5 केजी का वेट मांग रहा है। 50% कैपेसिटी का ये मांगता है कोई भी मशीन, अगर 5 केजी की मशीन हो। अब ये PAS पास, यानी ये पास हो गया वेट। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल चीजें हैं। ये जो वेट मशीन है वो 10 केजी की है। अब इसी में 5 केजी की मशीन है तो वो इसका 50% आप 2500 ग्राम पहले अरेंज करना होगा। अगर 10 केजी की मशीन है तो उसका 50% 5 केजी का वेट पहले आपको अरेंज करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि बाट हो, कोई वैसी वेट हो जिसका वेट बिल्कुल 5 केजी हो, या अगर 5 किलो की मशीन है तो 2.5 किलो वेट हो, तब आप जाके उसको जो है सेट कर सकते हैं। अब ये मेरी मशीन कैलिब्रेट हो गई है कितने दो। अब दोबारा इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये बाय डिफॉल्ट एलबी पे वेट आएगा, जो वेट सेट आएगा वो एलबी पे आएगा। इसको या तो ग्राम पे करें या फिर केजी पे करें, तो मैंने केजी पे कर दिया। अब ये जो 50 ग्राम का 40 ग्राम बता रहा था, अभी आपके सामने मैं ये 50 ग्राम का पहले रखूंगा। पूरा 50 ग्राम आ गया। अब ये 200 ग्राम
का ये वेट मैं रख रहा हूं, ये 200 ग्राम आ गया। ये एक ग्राम का एक्यूरेसी है जो इसकी लीस्ट काउंट है, एक ग्राम है, तो एक ग्राम प्लस माइनस अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जब आप सेट करेंगे तो वो प्रॉपर वेट आएगा। अब ये 200 का है तो 200 ग्राम शो कर रहा है, और ये 50 ग्राम का है तो ये 50 ग्राम। बाकी ये टेयर वगैरह सिंपल है, टेयर कर देंगे पूरा जीरो हो जाएगा। जब इसको आप उठाएंगे तो इसका माइनस में शो करेगा। दोबारा इसी टेयर को आप कर लें। अगर सपोज आपके पास कोई कटोरी हो, आप कोई कंटेनर या कोई बाउल वगैरह आप रख के चाहते कि इसमें वेट आए, तो ये टायर बटन दबा दें, एक बार प्रेस कर दें, ये कंटेनर जीरो हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी आप रखेंगे सिर्फ उसी का वेट आएगा, ये पूरा 50 ग्राम, ये सिर्फ उसी का वेट आएगा। 250 ग्राम मैंने रख दिया। अब जब इसको हटाएंगे, अगर सेम इसी पे आपको दूसरा वेट करना है तो कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वापस रख देंगे, ये ऑटोमेटिक जीरो में हो जाएगा और फिर से आप इस पे वेट कर लें। जब आपको लगेगा कि अब मुझे ये कंटेनर नहीं दूसरे कंटेनर में करना है, तो जब ये उठाएंगे माइनस में शो करेगा ना, दोबारा इसी बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो है, और आप शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा सकें। मोस्टली ये वेट मशीन क्या होता है कि लगभग सभी के घरों में होता है, किचन में या फिर जो मेडिसिन लेते हैं उनके पास। तो आप ये शेयर करेंगे, अगर मशीन में किसी की प्रॉब्लम होती है तो वो इस वीडियो के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।